कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहां नवसंकल्प कार्यशाला कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस से निष्कासित कार्यकर्ता उवेश राजा अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए, जहां उनका कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश में विवाद हो गया। इस दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और कार्यक्रम में जमकर कुर्सी चली, जिसके बाद कांग्रेस पद अधिकारियों ने मामले को शांत करवाया। देखिए, नाराजगी का तो हमें पता नहीं, हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं, ना मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो आप सार्वजनिक कर रहे हैं, लोग कागज निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित कर भी दिया, चलो मन मर्जी चल भी रही है, या अगर आपके माना गुंडागर्दी चल रही है आपकी पार्टी में, तो हम किसी यहाँ लोकल नेता के साथ नहीं आए थे, हम अपने नेताजी के साथ आए थे यहाँ पर। मैं यही कहना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं है, अगर सुमित हृदयेश कांग्रेस के खिलाफ काम करे तो सुमित हृदयेश को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदयेश का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है, वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में, हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है? तो बवाल तो देखिए, बवाल तो वो करते हैं, हम लोग तो थोड़ा सा अनुशासन लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अनुशासन तो रहना ही पड़ेगा, संगठित भी रहना ही पड़ेगा।